हेलो प्यारे बच्चों, बीएससी थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषियस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पहला पेपर है, जिसका नाम ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए है, उसका जो यूनिट फर्स्ट है, जिसमें हम एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही एक और टॉपिक का हम लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हम ऑलरेडी यह पढ़ चुके हैं कि एल्केन्स क्या होता है, और साइक्लो एल्केन्स के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं कि साइक्लो एल्केन्स क्या होते हैं, और इसके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन का यह लास्ट लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम दो और मेथड पर बात करेंगे जिसकी सहायता से हम साइक्लो एल्केन्स का जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अपने इस लेक्चर में हम अपने पहले मेथड पर बात करते हैं। जो भी नंबर होगा आप लोग अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी सारे लेक्चर्स को प्रोवाइड कर चुके हैं, तो मैं फिलहाल भूल चुका हूँ कि कौन सा नंबर था। तो आइए बात करते हैं इस पर। देखिए यहाँ पर क्या बातें बोली जा रही हैं कि अब हम अल्फा ओमेगा डाई एस्टर्स की सहायता से साइक्लो एल्केन्स का फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो ये कैसे होता है, बात करते हैं। देखो डाई एस्टर्स, ठीक है, यानी कि हमारे पास डाई मतलब होता है दो, एस्टर्स मतलब एस्टर ग्रुप हमारे पास जुड़े रहेंगे, और ये कौन कौन से पोजीशन पर, अल्फा और ओमेगा पोजीशन पर। आप सभी बच्चों को ये चीज़ें समझा चुका हूँ ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में। तो फिलहाल अगले स्टेप पर हम बढ़ते हैं। तो हमारे पास जब अल्फा ओमेगा डाई एस्टर्स सोडियम एथॉक्साइड के प्रेजेंस में साइक्लो एल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, मैंने क्या बोला कि अल्फा ओमेगा डाइएस्टर्स जो होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एथॉक्साइड फॉर्म्स साइक्लो एल्केन्स। और यह जो मेथड होता है, इस मेथड को हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं जो कि आप सभी के एग्जाम में नेमिंग रिएक्शन के तौर पर पूछा जा सकता है, जिसे हम कहते हैं डिकमैन रिएक्शन, ठीक है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह बोला जा रहा है कि दिस मेथड इज मोस्ट यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 5-6-7 मेंबर्ड रिंग्स, यानी कि ऐसे साइक्लो एल्केन्स का ज़्यादातर चांसेस होते हैं इस रिएक्शन के द्वारा फॉर्म करने में, या फिर उपयोग किया जाता है इस रिएक्शन को, जिसमें 5, 6 और 7 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके हम मैकेनिज्म, इसके पूरे रिएक्शन पर हम बात करते हैं। रिएक्शन काफ़ी लंबा होता है, डिकमैन रिएक्शन है, तो थोड़ा आराम से समझिए सब्र बनाकर। तो यहाँ पर हम अगर लिखते हैं अल्फा ओमेगा डाइएस्टर्स को, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा CH2 का N टाइम्स, ऑलरेडी आप लोग इस चीज़ से परिचित हो चुके हैं। और यहाँ पर हमने ले लिया COO, ठीक है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ COOC2H5, ये हो गया हमारे पास एक एस्टर ग्रुप, और यहाँ पर हमारे पास दूसरा एस्टर ग्रुप जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पर CH2 से लिंक होता हुआ हमारे पास दूसरा एस्टर ग्रुप आकर लिंक हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया अल्फा ओमेगा डाई एस्टर बन गया, ठीक है। फिलहाल हम इनके ग्रुप के आधार पर बस हम नाम लिखें। ये हमारे पास क्या है, ये हमें अभी स्पेसिफाइड नहीं है, क्योंकि एन का नंबर हमने लिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहें तो अल्फा ओमेगा डाइएस्टर एल्केन लिखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन वो फिलहाल क्या है क्या नहीं है हमें ये बात नहीं पता, इसलिए हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ एल्केन, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अब क्या होता है, अब ये होता है कि हमारा यह रिएक्शन फर्दर कंटिन्यू तब होगा जब हमारा सोडियम एथॉक्साइड इंट्रोड्यूस हो जाए, यानी कि सोडियम एथॉक्साइड को हमने क्या किया, इसमें मिला दिया। तो सोडियम एथॉक्साइड जो होता है उसमें हमारे पास Na यानी कि सोडियम जो होता है वह प्लस में टूट जाता है, और एथॉक्साइड जो होता है वह माइनस में टूट जाता है। और जब यह माइनस में टूटता है तो यह लेकर आता है अपने माइनस आयन को, जिसे हम कहते हैं C2H5O-। ये हमारे पास आ गया सोडियम Na+ जो है वो बाद में इंट्रोड्यूस होगा, और वह रिएक्शन में कब पार्टिसिपेट करेगा आगे चलते हुए हम बात करेंगे। तो अब क्या कहानी होता है, कहानी ये होता है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस चार्ज।
यह क्या करना चाहता है, अपने आप को बैलेंस करना चाहता है। यह अटैक कर देता है इस हाइड्रोजन पर, क्योंकि यहाँ पर अटैक कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास ऑक्सीजन है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होता है। यह भी अटैक यहाँ पर भी नहीं अटैक कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। यहाँ पर बीच में डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता, इसलिए यह साइड में अटैक करता है। और जब साइड में अटैक करता है तो एक हाइड्रोजन को खींच लेता है, यानी कि यह अपनी वाली को तो पहले छोड़ चुका था सोडियम को, ये क्या करता है इसकी वाली को खींच लेता है, यानी कि इसकी हाइड्रोजन को खींचता है। अब जब यह इसके हाइड्रोजन को प्राप्त कर लेगा, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास C2H5OH हमारे पास क्या हुआ, रिमूव हो गया। अब लीजिए, ये जब हमारे पास रिमूव हो गया तो ये बेचारा तो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसकी वाली छूट गई है, यानी कि इसका हाइड्रोजन क्या है, रिमूव हो चुका है। तो जब यह छूट गया है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस प्रकार से अपने आप को यह क्या करता है, स्टेबल बनाने की कोशिश करने लग जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, C2H5 है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ से हमारे पास CH हो जाता है, और यहाँ पर हमारे पास C2H5 हो जाता है। लेकिन ये जब इसके हाइड्रोजन को खींचा है तो क्या किया है, या अपने माइनस चार्ज को इस पर ट्रांसफ़र कर दिया है, कि बेचारे को सब कुछ नहीं दिया है, ये क्या करता है, कुछ चीज़ों को ले भी लेता है, ठीक है, यानी कि माइनस चार्ज को ले लिया, यानी कि यह अब किसी और चीज़ को खींचने के काबिल बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, माइनस पावर। अब क्या होता है, कहानी कुछ ऐसा होता है कि ये जो हमारे पास ऑक्सीजन मैंने यहाँ पर लिखा है, इसी को ही हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देते हैं और ये सिंगल बॉन्ड OC2H5 लगा रहता है, ठीक है। अब ये कार्बन कहता है कि मैं तो अनस्टेबल हूँ इस माइनस चार्ज की वजह से, क्योंकि जो हमारे पास कार्बन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा लंबे समय तक, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा लंबे समय तक रोक नहीं पाते हैं। तो यह क्या करता है, यह इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसफ़र होते हुए इस कार्बन के पास पहुँच जाता है। अब ये जब इस कार्बन के पास पहुंचता है तो ये कार्बन कहता है मैं भी अनस्टेबल हूँ। तो क्या कहता है, ये ऑक्सीजन कहता है कि अच्छा आप लोग अनस्टेबल हो तो मुझे इस ऑक्सीजन को, इस इलेक्ट्रॉन को दे दो। तो यह जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है, तो जब यह यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफ़र करता है तब क्या होता है, आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्रोसेस होता है कि ये हमारे पास हो गया CH2 का N टाइम्स, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, ये कार्बन हमारे पास हो गया और यहाँ पर हमारे पास O माइनस बन जाता है, ठीक है। एक बॉन्ड चूंकि तोड़ेगा तभी तो हमारे पास O माइनस बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर भी OC2H5 हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में ये हमारे पास CH रहेगा और ये हमारे पास COOC2H5 रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, लिंकिंग होता है, क्योंकि यह अपने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भेज दिया तो इस प्रकार यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होता है, यह ऑक्सीजन जब इस इलेक्ट्रॉन को पहले खींच लिया था, पहले सोचा था कि मैं कंपाउंड को स्टेबल बनाने के लिए क्या करता हूँ, सभी चीज़ों को खींच लेता हूँ, तो यह इलेक्ट्रॉन को खींच लिया था। लेकिन इसको बाद में रियलाइज हुआ कि ऑक्सीजन तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रखता है, तो यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को फिर से देना शुरू कर देता है, कहता है मेरे बस की बात नहीं है, आप अपने इलेक्ट्रॉन को ले लीजिए। तो यह क्या करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भेज देता है। तो ये कार्बन क्या कहता है कि भाई मैं तो ऑलरेडी हम इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा लंबे समय तक रोक नहीं पाते हैं, तो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को देने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से इस बॉन्ड को छोड़ देते हैं, यानी कि इस ऑक्सीजन को बोलता है कि तुम ही रख लो बच्चा, ठीक है। तो ये क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को लेता है और ये मजबूरी में ही सही, लेकिन ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। और यहाँ पर क्या करता है, ये हमारे पास CH2 का N टाइम्स रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर हमारे पास C और ये डबल बॉन्ड O हो जाता है, ठीक है, एंड यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हमारे पास CH और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, COOC2H5 रहता है। अब क्या करता है कि जब ये इस माइनस चार्ज को खींच लिया तो यहाँ पर हमारे पास रिमूव हो जाता है C2H5O-, ठीक है, यहाँ पर यह क्या हो गया, रिमूव हो गया, जो हमने इंट्रोड्यूस किया था उसे मैंने रिमूव भी कर दिया।
अब ये जो हमारे पास रिमूव हुआ है ये सोडियम से फिर से जाकर रिएक्शन कर लेता है और सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मेशन कर ले जाता है। अब यहाँ पर अगले स्टेप में क्या होता है ध्यान दीजिएगा, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम चाहते हैं कि हमारे पास ये जो C2H5O लिंक हुआ है इसे भी हम रिमूव कर दें, ठीक है। तो अगर इसको रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस पर हमें बात करना है। एक काम करते हैं, यहाँ पर रिएक्शन फर्दर कंटिन्यू हो नहीं पाएगा तो आप लोग क्या करिए, मतलब इसके बाद हम अगले स्टेप पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम अगले पेज पर करते हैं, आप लोग क्या करिए इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ था, अब इसके बाद हम रिएक्शन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें साइक्लो एल्केन का फॉर्मेशन करना है। तो हम क्या चाहेंगे कि ये भी हमारे पास जो ग्रुप लिंक हुआ है इसको भी हम क्या करें, हटा दें, ठीक है। ये जो एस्टर ग्रुप है इसको भी हम हटाना चाहते हैं। तो एस्टर ग्रुप को अगर हमें हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम सिंपल सा क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो हाइड्रोलिसिस कराने का मतलब ये हुआ कि H प्लस और यहाँ पर ऐसे कह सकता हूँ मैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं H3O प्लस से रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोलिसिस होता है, आप सभी बच्चों को पता ही होगा वैसे भी। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारे पास CH2 का एन टाइम्स हमारे पास रहेगा और ये हमारे पास कार्बन, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है, ये हमारे पास कार्बन, ये हाइड्रोजन। और यहाँ पर जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ से C2H5OH निकल जाता है, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से H प्लस आएगा। तो H प्लस आता है तो ये C2H5 को निकाल लेता है और जो OH आता है वो हमारे पास फॉर्म कर लेता है COOH को, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह रिमूव हो जाए, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस को अप्लाई करने में हमें हीट करना पड़ता है और जब हीट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा तो हमारे पास क्या फॉर्म करेगा, यह फॉर्म कुछ इस प्रकार से करने लग जाएगा, CH2 का N टाइम्स और यहाँ पर हमारे पास C डबल बॉन्ड O मिलेगा एंड यहाँ पर हमारे पास C से C लिंक रहेगा और यहाँ पर H हो जाएगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हुआ, ये केस यहाँ पर लिंक कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये लिंकिंग हो गया, अब हम चाहते हैं कि ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाए। तो ये ऑक्सीजन रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम सोडियम को ले लेते हैं तो उससे भी हमारे पास हो जाएगा, हम इसका रिडक्शन करा देते हैं तो भी हमारे पास हो जाएगा, इस पर हम किसी भी तरीके से हाइड्रोजन को रिएक्शन में इंट्रोड्यूस करा दे तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपल सा इसका रिडक्शन करा देते हैं, यानी कि H2Ni के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते हैं। और यहाँ पर जो निकिल होता है या गर्म करने पर ही एक्टिव होता है, तो क्या होता है यहाँ पर हमारे पास ये CH2 का N टाइम्स हो जाता है और यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन है यह हमारे पास H के साथ लिंकिंग कर जाता है, तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है वह दो हाइड्रोजन को पकड़ते हुए बाहर निकल जाएगा, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा और दो हाइड्रोजन इसके कार्बन के साथ लिंक हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास CH2 हो जाएगा, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं ना, ये कार्बन चार बाउंड बनाएगा तो यहाँ पर दो बाउंड, यहाँ पर दो बाउंड हो गया, ये कार्बन कितने बाउंड बनाएगा, चार, तो एक दो दो चार, और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया है, अपने साइक्लो एल्केन का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हमारा यह साइक्लो एल्केन बन गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी, आप लोग क्या करिए इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट हो चुका होगा, तो यहाँ पर हमने डिकमैन रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास एक और मेथड बचता है जिसे हम कहेंगे एसलाइन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं और उसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यह हमारे पास सिंथेसिस ऑफ साइक्लोएल्केन्स का जो हम लेक्चर चला रहे हैं, 3-4 लेक्चर हो चुके हैं, यह भी हमारे पास पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ चलेंगे। तो आप लोग क्या करिए इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अब चलिए हम बात, तो अब चलिए अगले मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर हम बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं एसाइलन कंडेंसेशन या एसाइलन रिएक्शन भी कहा जा सकता है। इसमें क्या होता है कि
प्रोडक्ट के तौर पर हमारे पास एसोइलन फॉर्म होता है, उसके बाद हम उसका रिडक्शन कराते हैं और उसके बाद हमें क्या मिलता है, हमारे पास साइक्लोएल्केन मिलता है। तो बात करते हैं, समझते हैं इसके पॉइंट्स को क्या क्या बोलता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अल्फा ओमेगा डाइकार्बोक्सिलिक एस्टर को लेते हैं जो कि अंडरगो इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन। क्या होता है इसमें इंट्रामोलिकुलर, इंट्रा ठीक है, यहाँ पर फोकस करना, इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन मतलब कि मॉडिफिकेशन, ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पास कार्बन होते हैं या ऑक्सीजन होते हैं वो सभी क्या करते हैं, आपस में ही मॉडिफिकेशन करने लगते हैं। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने लग जाती है, जैसे कि हमारे पास पैसों की अधिकता होती है तो हम क्या करते हैं, मतलब दोस्तों को तो बहुत मुश्किल होता है पैसे देना क्योंकि वो फिर वापस मिलते नहीं हैं, लेकिन एज अ एग्जांपल अगर यहाँ पर हम सपोज करते हैं तो थोड़ा ही पार्टी दे देते हैं कि चलो यहाँ पर मैं खर्चा कर देता हूँ, ठीक है। बस वैसे ही यहाँ पर भी होता है कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की जब अधिकता होती है तो वो क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं कि एक एटम से दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉनों को देने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कंडेंसेशन होता है और ये खुद के ही मॉलिक्यूल, खुद के ही एटम के बीच होता है, इसलिए इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन कहते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ, या किसके प्रेजेंस में होता है, या सोडियम मेटल के प्रेजेंस में होता है, और ये सोडियम मेटल इन जाइलिन के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में, जाइलिन ठीक है, टू गिव एसोलाइन, या क्या करता है तब एसोलाइन का देता है। और इस मेथड का हम उपयोग क्यों करते हैं अगर पूछा जाता है, तो दिस इज द मोस्ट यूजफुल मेथड फॉर प्रिपेयरिंग लार्ज, किसके लिए, लार्ज रिंग कंपाउंड्स के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है कि कितने हम कार्बन्स को इंक्लूड करेंगे, तो लार्ज रिंग कंपाउंड्स का हम फॉर्मेशन करते हैं। बात करते हैं रिएक्शन पर, अगर हम सबसे पहले क्या लेते हैं, अल्फा ओमेगा डाइकार्बोक्सिलिक एस्टर को लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास पहले तो एल्केन से ही लिंक होता है ना, तो यहाँ पर CH2N हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास कार्बन जो है, ठीक है, ये कार्बन जो होता है वो डबल बॉन्ड करते हुए ऑक्सीजन से लिंक होता है, और यहाँ पर OET मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम डाइकार्बोक्सिलिक हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एस्टर हमारे पास ग्रुप जुड़ गया। ऐसे यहाँ पर भी हमारे पास ये आ गया, हमारे पास डाइकार्बोक्सिलिक एस्टर हो गया क्योंकि हमारे पास दोनों ग्रुप होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम CH2 को एक स्टेप और नहीं लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या होता है, और ये बात ध्यान में रखिएगा, ये मैं रिएक्शन खुद से नहीं करा रहा हूँ, ये जो ऑलरेडी आपके बुक में दिया गया है एसोइलन कंडेंसेशन के अंतर्गत, वही मैं रिएक्शन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, सोडियम मेटल आता है, Na आया, किसके साथ, जाइलिन के साथ आया, ठीक है। और सोडियम अकेला मॉलिक्यूल नहीं आता, ये दो एटम के साथ आता है, कहता है हम अटैक करेंगे तो दोनों साथ ही करेंगे। तो अब क्या होता है कि एक सोडियम तो यहाँ पर अटैक कर देता है, दूसरा सोडियम यहाँ पर अटैक कर देता है, तो ये हमारे पास एक सोडियम यहाँ पर समझेंगे, ये भी सिमिलर कॉन्सेप्ट आप लोग इंक्लूड कर दीजिएगा। तो क्या होता है, ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया, कहा कि मेरे साथ भी बॉन्ड बना लो, ओ ऑक्सीजन भाई मेरे साथ भी बॉन्ड बना लीजिए, तो यह क्या कहता है, ऑक्सीजन ठीक है चलो हम बॉन्ड बना लेते हैं, और यह कार्बन कहता है कि आपसे तो दो बॉन्ड बनाया था, एक बॉन्ड को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, सोडियम बेचारे को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो यह क्या करता है, एक बॉन्ड को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। अब जब यहाँ से एक बॉन्ड ट्रांसफ़र हो जाता है तो यह कार्बन सोचता है कि यार मेरा साथ ही तो छोड़ गया मुझे, और यहाँ पर चूँकि मुझे तो चार बाउंड की आवश्यकता थी, तो चार बाउंड ऑक्सीजन कार्बन अपने आप को बैलेंस करने के लिए क्या करता है, कहता है इस ऑक्सीजन के पास जाता है, कहता है कि आपके पास भी एक कम ही होगा क्योंकि यहाँ से भी सोडियम अटैक किया है, तो हम दोनों मिलकर एक एक बाउंड बना लेते हैं। तो जब ये दोनों एक एक बाउंड बनाते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं, CH2 का N टाइम्स हो जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से एक बाउंड से लिंक हो जाते हैं। तो ये जो हमारे पास कार्बन है वह सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और Na के साथ लिंकिंग हुआ है, ये कार्बन कार्बन एक दूसरे से बॉन्ड बनाए हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर सोडियम के साथ लिंकिंग हुआ है। ध्यान रखिएगा, समझने का प्रयास करिए। फिलहाल यहाँ पर मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद समझ आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ET रहेगा, यहाँ पर भी ET रहेगा, OET, यानी कि हमारे पास
डाइकार्बोक्सिलिक एस्टर हम कंटिन्यू करते चलेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये Na जो है यह प्लस चार्ज लेकर आएगा, क्योंकि यह ऑक्सीजन जो होगा वह तो इलेक्ट्रॉनों को सोच कर ही तो खींचा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को खींचने की कैपेबिलिटी रखता है, तो Na पर प्लस चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर माइनस चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास Na पर प्लस चार्ज हो जाएगा, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कार्बन चार बॉन्ड बनाया है ना, हाँ चार बॉन्ड बनाया है, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, ऑक्सीजन को बाद में रियलाइज होता है कि यार इस कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं तोड़ना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास एक माइनस चार्ज आ चुका है, और माइनस चार्ज या प्लस चार्ज जब भी किसी भी एटम पर आता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है। तो यह क्या करता है, कहता है फिर से कार्बन से कि यार मैं तो अनस्टेबल हो गया, मेरे साथ बॉन्ड बना लो और हम लिंकिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन मान जाता है और ये क्या करता है, इसके साथ एक बॉन्ड को बना ले जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी एक बॉन्ड को बना ले जाएगा। तो ये कार्बन तो चूंकि चार ही बॉन्ड बना सकता है, उससे ज़्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता, तो यह कार्बन क्या कहता है कि यहाँ से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन मिल रहा है वो तुम रख लो, ठीक है, क्या कहता है कि वो तुम रख लो। तो यहाँ पर ये तैयार हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए कैपेबल भी है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है कि ये दोनों जब इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए तैयार होते हैं तो ये दोनों भी अनस्टेबल हो जाते हैं, और ये दोनों जब अनस्टेबल होते हैं तो ये क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम इस कार्बन के इस झमेले से छोटी पाते हैं और दोनों रिमूव हो जाते हैं। और जब ये दोनों रिमूव हो जाएंगे तो क्या बनेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जब यह ऑक्सीजन माइनस चार्ज इसको दे दिया तो यह सोडियम क्या होगा, यह भी रिमूव होगा, तो यह सोडियम या सोडियम भी यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या फॉर्म करता है, उसके बाद कुछ विचित्र चीज़ें फॉर्म होती हैं जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं। तो ये हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा सी, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हमारे पास लिंकिंग रहेगा, और यहाँ पर भी हमारे पास डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, ठीक है। कार्बन चार बॉन्ड बनाया है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा कि कार्बन चार बॉन्ड बनाना चाहिए, अगर कार्बन चार बॉन्ड बना रहा है तो हमारा रिएक्शन परफेक्ट चल रहा है। अब क्या होता है कि ये दोनों सोडियम एटम तो हमारे पास रिमूव हो गए, लेकिन ये दोनों सोडियम एटम पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम तो अटैक करेंगे ही, चाहे दोबारा ही करना पड़े। तो फिर से दो सोडियम मॉलिक्यूल या एटम क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं। और जब ये दोनों अटैक करते हैं तो इस बार कुछ खेल कर जाते हैं, कैसा करते हैं, यहाँ पर हमारे पास फिर से ऑक्सीजन जो है वह एक बॉन्ड, सेम कॉन्सेप्ट, यही वाला कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर भी अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर भी क्या करता है, सोडियम अटैक करता है इस ऑक्सीजन पर, और ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपने एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ देता है और यहाँ से क्या करता है, सिंगल बॉन्ड बना ले जाता है। तो ओ पर माइनस चार्ज आ जाता है, सोडियम पर प्लस चार्ज आ जाता है, और यहाँ पर भी हमारे पास जो कार्बन है वह भी सिंगल बॉन्ड ओ जो हो जाता है, और Na पर प्लस चार्ज आ जाता है। और ये सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी थे, तो यहाँ से जब इस स्टेप में हम पहुँचे थे तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बन गया था, तो यहाँ पर ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड है, तो ये दोनों क्या करते हैं, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले जाते हैं। और यहाँ पर हमारे पास माइनस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इतने पॉइंट्स को आप लोग समझ के होंगे। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम अगले स्टेप पर यहाँ पर बढ़ेंगे, मैं इसे इरेज करूँगा, उसके बाद हम अगले स्टेप पर बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। थोड़े से अब क्या है कि डिफ़िकल्टीज बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो साइक्लोएल्केन्स है ये डिफ़िकल्ट पॉइंट्स को लेकर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब डिफ़िकल्टीज बढ़ रहे हैं तो थोड़े थोड़े करते हुए चीज़ों को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, अदरवाइज आप लोग सोचेंगे कि दो Na तीन Na कहाँ से इंट्रोड्यूस करा दिए सर जी, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसे हटा ही देता हूँ, ठीक है। और इसे आप लोग डायरेक्ट लिख लीजिएगा, और तो कुछ हटाने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल। आप चाहें तो एरर लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा करे। अगर आप इस रिएक्शन को रट कर जाते हैं तो आप प्लीज़ एरो मत लगाइएगा, क्योंकि अगर आप एरो वहाँ पर लगाने लग जाएंगे तो वो आप लोग ज़रूर गलती कर देंगे, और एरो मत लगाइएगा। लेकिन अगर आप लोग समझ कर जाते हैं चीज़ों को, एक एक पॉइंट को कई बार लिख कर जाते हैं, तो आप लोग प्लीज़ एरो लगा दीजिएगा, इससे नंबर बढ़ जाता है। लेकिन रट कर जाते हैं तो एरो बिल्कुल भी मत लगाइएगा, अदरवाइज़ गलत होने के चांसेस होते हैं।
तो यहाँ तक हम पहुँच चुके थे, तो अब इसके अगले स्टेप पर हम बात करते हैं। अगले स्टेप में क्या होता है कि अब यहाँ से चूँकि हमें साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन करना है, तो हम चाहते हैं कि सोडियम भी गायब हो जाए। तो सोडियम को अगर हमें गायब करना है तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। तो हाइड्रोलिसिस कराने के लिए हम क्या करते हैं, H प्लस O और H2O कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, NaOH निकल जाएगा और हमारे पास हाइड्रोजन्स का अटैक हुआ है तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, CH2 का N टाइम्स, और ये जो हमारे पास कार्बन है ये कार्बन हमारे पास OH बना लेता है और ये कार्बन भी हमारे पास OH बना लेता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड तो लगा ही रहेगा, लेकिन ये जो प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है। यानी कि यह हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है, और ये आप लोग चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो ये जब अनस्टेबल होता है तो चाहता है कि हम स्टेबल भी हो जाए। तो अगर यह स्टेबल अपने आप को बनाना चाहता है तो यह रीअरेंजमेंट करने लगता है, क्या करता है, अपने आप में ही कंडेंसेशन करने लगता है, या फिर कहूँ रीअरेंजमेंट करने लगता है। जैसे आप लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो आप लोग कंफर्टेबल फील करने के लिए रीअरेंजमेंट करते हैं, कंडेंसेशन करते हैं, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगता है। तो क्या होता है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है और वह हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला आता है, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, फिलहाल उसको मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं शॉर्टली बता देता हूँ कि एसाइलन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर N हो जाता है और ये हमारे पास कार्बन जो होता है ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर ले जाता है और यहाँ से यह कार्बन ये ऐसे जुड़ जाता है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर चलाता है। एक हाइड्रोजन चूँकि यहाँ पर आया तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि यह कार्बन हमारे पास चार बॉन्ड बना लिया और यहाँ से यह ऑक्सीजन भी अनबैलेंस हुआ है तो वो क्या करता है, इस कार्बन के साथ लिंकिंग कर लेता है और डबल बॉन्ड हमारा टूट जाता है और यहाँ पर हमारे पास OH बन गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या फॉर्म हुआ है, ये एसाइलन फॉर्म हो चुका है, ठीक है, एसाइलन, ओके। अब क्या होता है अगले स्टेप में, अगले स्टेप में हम करते हैं अपने साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन। लेकिन साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन क्या नॉर्मल बिहेवियर से हो सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं। एसाइलन से हमें अगर साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन करना है तो यहाँ पर हम क्लेमेंजन रिडक्शन या रिएक्शन का उपयोग करते हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जब हम क्लेमेंजन रिडक्शन का उपयोग करते हैं तो क्या होता है कि ये जो OH होता है वह हाइड्रोजन को पकड़ते हुए वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है, ये जो हमारे पास ऑक्सीजन होता है यह दो हाइड्रोजन को पकड़ते हुए वाटर मॉलिक्यूल बना ले जाता है। बचता क्या है, यहाँ पर बचेगा CH2 का N टाइम्स एंड यहाँ पर हमारे पास C और यहाँ पर हमारे पास CH2 बनेगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन हमारे पास, चूँकि एक हाइड्रोजन अटैक किया है, देखो यहाँ पर दो बाउंड खाली हैं, यहाँ पर सिंगल बाउंड खाली है, तो क्या होता है, एक हाइड्रोजन आकर यहाँ पर लिंकिंग कर जाता है, ठीक है। तो ये जब लिंकिंग होता है तो यहाँ पर हमारे पास CH2 के बजाय, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं अटैक करता, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होता है कि OH जो है वो रिमूव होगा, ठीक है, और यहाँ से ऑक्सीजन भी रिमूव होता है। तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन अटैक किया तो ये हमारे पास रिमूव हो जाएगा, तो इसका एक बाउंड खाली हो गया, इसके पास दो बाउंड खाली हो गए। तो ये क्या करते हैं कि यहाँ से नहीं, वो वाला तो मेथड गलत हो जाएगा, वो तो हमारे पास एल्काइन में उपयोग होता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आकर लिंक हो जाता है डायरेक्टली, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि ये बॉन्ड तो हमारे पास ऑलरेडी बना रहता है और यहाँ से जो हमारे पास दो हाइड्रोजन अटैक करता है तो वो हमारे पास रिमूव हो जाता है, तो एक बॉन्ड से एक हाइड्रोजन, दूसरे बॉन्ड से दूसरा हाइड्रोजन आकर लिंक हो जाता है और इस प्रकार यह भी क्या करता है, CH2 का फॉर्मेशन कर जाता है। लीजिए फॉर्म हो चुका हमारा प्यारा साइक्लोएल्केन, क्या हो गया, साइक्लोएल्केन हमारा फॉर्म हो गया, ठीक है। आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने अपने साइक्लोएल्केन्स के जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर बात कर लिया, यानी कि हमने अपने सिंथेसिस को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा मैं इस वीडियो को तेज़ी से खींचा हूँ क्योंकि मतलब ज़्यादातर चीज़ें इतनी नहीं है कि जितना मैं समझाऊँ, क्योंकि अगर एक ही रिएक्शन पर बात किया जाएगा तो पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया जा सकता है एक रिएक्शन को, हर एक मैकेनिज्म को समझाते हुए। लेकिन मैं सोचा कि इसे थोड़ा तेज़ी से खींच लेते हैं ताकि हमारा वीडियो टाइम से कम्प्लीट हो जाए, सिलेबस भी कम्प्लीट हो जाए। ठीक है, हमें उतनी ही चीज़ों को पढ़ना है जो बीएससी में है, हमें पीएचडी नहीं कर लेना यहीं पर। ठीक है, पीएचडी करने के लिए अलग से कोर्सेस होते हैं। ओके, तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोएल्केन्स पर बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।